हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी। दोस्तों, ग्रुप डी एम्प्लॉय को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो एम्प्लॉयज़ हैं पहले 8 घंटे काम करते थे, बट दोस्तों अभी RRC की तरफ से मांग आई है कि जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली यंग यूथ हैं, उनको 9 घंटे काम कराया जाए, साथ ही साथ उनको एडवांटेज भी मिले। दोस्तों, कौन से एडवांटेज? स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ है, जिनके बच्चे हैं, और जो अपने एजुकेशन, जो बच्चों के एजुकेशन है, उनके पैसे बेयर नहीं कर पाते, वो भर नहीं पाते, तो रेलवे उनके लिए बहुत सारे एडवांटेज देगा। साथ ही साथ अगर 9 घंटे आप काम करते तो आपको उसके साथ कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे दोस्तों, वो भी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ यार, फटाफट चलते हैं। और पूरा का पूरा जो मैं पेपर कटिंग लाया हूँ आपके लिए, आप देख सकते हो, कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 9 घंटे काम का प्रस्ताव। दोस्तों, जागरण ब्यूरो, जब आप दैनिक जागरण पढ़ेंगे तो न्यू दिल्ली का जो फ्रंट पेज है उसकी ये खबर है। दोस्तों, जैसे अपन जूम करते हैं और वन बाय वन अपन पूरा का पूरा ये पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है, न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 9 घंटे काम करना पड़ सकता है। वेतन संहिता कानून के लिए बनाए जा रहे नियमों से पहले श्रम मंत्रालय की ओर से बाबूत सुझाव मांगे गए हैं। 1 महीने बाद नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार में कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 42 घंटे का नियम है। दोस्तों, उनको 42 घंटे वर्क करना पड़ता है, और अगर इमरजेंसी में बुलाया गया तो दोस्तों पहले 8 घंटे का था, तो अब अपन आगे देखेंगे कि कितने घंटों का वो कर दिया गया है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, पहले अपन साथ ही साथ ये भी मांगे सुझाव ये भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, मांगे सुझाव, आपातकालीन स्थितियों में 1 दिन में करना पड़ सकता है 16 घंटे काम। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले 8 घंटे काम करना पड़ता था, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे और एक्सटेंड होता था तो 12 घंटे, बट अब वो 16 घंटे हो चुका है। मतलब आपको 24 घंटों में से 16 घंटे काम करना पड़ेगा। महानगरीय, गैर महानगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान तय होगा न्यूनतम वेतन के अनुसार। तय होगा न्यूनतम वेतन कि आप जिस भी क्राइटेरिया हो, XYZ, जैसे 50 लाख से ज़्यादा हो पॉपुलेशन उस सिटी की, 10 लाख से या 5 लाख से कम, तो उसकी हिसाब से आपका जो न्यूनतम है वो डिसाइड होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। आगे इसमें लिखा हुआ है, वेतन संहिता कानून अगस्त में संसद से पारित हो चुकी है, अब इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, न्यू न्यू जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं रेलवे बनाता है, जो कैंडिडेट्स है, एम्प्लॉय है, सभी लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए, कि उन्हें अच्छे से अच्छे अलाउंसेस मिले और एडवांटेज मिले, कि वो जो जॉब है वो पूरे 100% अपने सेटिस्फेक्शन से करें। आगे देखते हैं अपन, प्रस्तावित नियमों के अनुसार वेतन संहिता 2019 की धारा 13 उपधारा 1 उपबंध ई के तहत न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम 9 घंटे काम करना पड़ेगा। अब से दोस्तों 9 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। आपातकालीन स्थितियों में धारा 13 उपधारा 1, 1 दिन में 16 घंटे काम भी करना पड़ सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि 1 दिन में पहले 12 घंटे काम होता था, अब आपको 16 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। न्यूनतम वेतन के निर्धारण, पत्नी और 2 बच्चों के परिवार, दोस्तों आप देख सकते हैं कि उन्हें प्रति रोजाना दोस्तों 2700 कैलोरी, दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 2700 रुपये पूरा का पूरा जो खर्च रहता है वो रेलवे अपनी तरफ से देगी। और इसमें लिखा हुआ है कि जो बिजली और अन्य विविध खर्चों पर तथा 25% बच्चों की पढ़ाई, दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चों की पढ़ाई, इलाज, मनोरंजन तथा आपातकालीन मंदों पर माना जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतने सारे अलाउंसेस, इतने सारे एडवांटेजेस पूरे के पूरे रेलवे देगी। न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार से संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये अपन ने ऊपर ही देख लिया, महानगरी, गैर महानगरी और ग्रामीण क्षेत्र में। कर्मचारी को हफ्ते में 1 दिन में साप्ताहिक अवकाश देने, दोस्तों आपको 1 वीक में संडे की छुट्टी मिलती ही उसके साथ एक और भी छुट्टी देने का अभी सुझाव चल रहा है, और ये भी बहुत ही जल्दी जो इसका आंसर है वो आपके पक्ष में ही आएगा। रेलवे चाहता है कि जो यंग कैंडिडेट्स है वो हमारे लिए बिल्कुल काम करें, और उन्हें प्रॉपर एडवांटेज और प्रॉपर छुट्टी भी मिलती रहे। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन जो न्यूज़पेपर में आया था अपन ने पढ़ा। दोस्तों, रेलवे अपने सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, और इनिशिएटिव उन्हीं के हित में रहते हैं कि उन्हें भी जो लोग, आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी रेलवे, उसमें 24/7 सबसे बिजीएस्ट शेड्यूल रहता है, तो रेलवे चाहता है कि कोई भी एम्प्लॉय ना छूटे, और जो भी उनसे मिस्टेक्स होती है तो वो प्रॉपरली उसे ठीक करते रहते हैं।
दोस्तों ये था आज का वीडियो, होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके इससे रिलेटेड या अदर कुछ रिलेटेड डाउट्स क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दोस्तों आप सभी को पता है मैं हमेशा कहता हूँ नो लाइक नो कमेंट नो शेयर दोस्तों, बट मैं फर्स्ट टाइम कहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो इससे कि ये न्यूज़ सभी कैंडिडेट्स के पास पहुँचे और जो कैंडिडेट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि नहीं यार कि दोस्तों सब कहते हैं ग्रुप डी भी की कोई एम्प्लॉय जो रहती है कोई वर्क रहता है क्या। दोस्तों ग्रुप डी की बहुत अच्छी जो नीचे लेवल से आप शुरू करते हैं और बहुत अच्छे एक पद तक पहुँचते हैं, हर जॉब में दोस्तों हार्डवर्क है। इसीलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सभी का जो मोरल डाउन हो रहा है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी, दोस्तों बहुत जल्दी ही उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, एज सून एज पॉसिबल हमें वीडियो बनाकर उसे पोस्ट कर देंगे। दोस्तों तब तक अपना खुद का ध्यान रखें, वंस अगेन थैंक यू सो सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।